एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र, और संजीवनी मंत्र जो भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई। बिना मांगे शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कबीर को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं, कितने लोग करते हैं, जरा हाथ करते हैं, कभी कभी तो करते हो गए, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा करती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा करती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है।